शहरे कायद में गंदगी और कचरे के अंबार, गंदगी और ताफुन के बायस मच्छर और मक्खियों की बहुतात, राहगीरों के साथ साथ कारोबारी अफराद भी अजियत से दो चार, अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं, शहरी नला, शहरियों का कहना है कि सफाई ख्वाब बनकर रह गई है। घरों में रहना तो दुश्वार ही था, सड़कों से गुजरना भी अजाब हो गया। कराची का इलाका लियाकताबाद कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। हर गली हर कोने में कचरे के अंबार नजर आने लगे, सड़कें भी ना बच सकी। गवर्नमेंट जगह बनाए तो लोग कचरा वहाँ फेंकेंगे ना, भंगी गली में आता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग लागे कचरा फेंकते हैं, ताफून उठती है, दुकानदार बड़े परेशान है। कचरे पे जो है गवर्नमेंट को चाहिए बॉक्स बनाया जाए और पाबंदी लगाई जाए। अब आवाम भी हमारी ये हो गई है, अगर आप मना करोगे तो फिर भी वो फेंकने आएंगे। वो कहते हैं जगह जगह बॉक्स होना चाहिए, गलियों में जमादार आना चाहिए। बहुत बीमारियां हैं, इससे छोटे छोटे कीड़े पैदा हो रहे हैं जो उड़ उड़ के आते हैं, हमने तो खुद देखे। गंदगी और ताफुन के बायस मच्छर और मक्खियों की बहुतात होने से बीमारियां फूट पड़ी। शहरी कहते हैं कोई पुरसान हाल नहीं, किसी को आवाम का ख्याल नहीं, बीमारियाँ पड़ रही है। अब देखो डेंगू किस कदर फैला हुआ है, कोई स्प्रे नहीं है, कुछ नहीं है, कचरे की वजह से धुआं उठता है, गंदगी होती है, सब कुछ होता है। मच्छर हो रहे हैं, जिससे मच्छर काट रहे हैं भाई, बुखार आ जाता है। ये आते हैं 15 दिन में 20 दिन में महीने में उठा के ले आते हैं, फिर कचरा इकट्ठा हो जाता है। सूरत हाल से मायूस शहरी अब किसी मुहिम पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं, कहते हैं कचरा उठाने के लिए ठोस और अमली इकदाम किए जाएं।